नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक युवक को प्रेम प्रसंग में शादी करने की सजा मौत के रूप में मिली है। प्यार के दुश्मनों ने दोनों प्रेमी प्रेमिका को इतना पीटा कि इलाज के दौरान प्रेमी राजू राम ने दम तोड़ दिया। घटना सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव की है। मृतक नानपुर थाना क्षेत्र के छोटा भदियन वार्ड 4 का निवासी राजू राम है, जिसने पास के गांव की लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की। लड़की के घर वाले इस प्यार के खिलाफ थे। इसी बीच दोनों ने घर वालों के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी रचा ली, जिससे बौखलाए लड़की वालों के परिजनों ने दोनों को रतनपुरा में बुलाकर इतना पीटा कि लड़के की मौत हो गई। घटना विगत 10 तारीख की है, जब प्रेमी युगल को भावन गाजवी के पास पिटाई कर दोनों को अधमरे हालत में सड़क किनारे फेंक दिया गया था। सूचना के बाद लड़के के परिवार वालों ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों प्रेमी युगल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की की जिंदगी तो बच गई लेकिन प्रेमी राजू राम ने PMCH पटना में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस वारदात में शामिल अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राजू राम के मौत से परिवार में कोहराम मचा है और उसकी मां और प्रेमिका का रो रो कर बुरा हाल है। इस पर मृतक के परिजनों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मामला है सर कि राजू और चंचला में 1.5 साल से प्रेम भाव था, प्रसंग था, प्रेम प्रसंग। इस मामला से 1.5 साल के चल रहा था और वहाँ पर 1.5 साल होने वाला है। अच्छा, तो क्या किया कि उनके चाचा, उनके कुछ समाज बुलवा लिए वहाँ अपने गांव में। अच्छा। रतनपुरा में बुलवा लिए और बदहरमी से मारने लगे। मारने के बाद वो दोनों को शादी विवाह की। अच्छा। मंदिर में ले जाकर के शादी विवाह कर दिए और वहाँ से एक किसी न किसी गाड़ी से वो हेमापुर बाजार, मतलब भदियन गांव के लड़का के घर के नजदीक आकर के वो लड़का और लड़की को छोड़ दिया। अच्छा। छोड़ दिया, कुछ लोग देखा कि हाँ दशरथ का बेटा है जो कि परा हुआ। अच्छा। तो यहाँ से उसकी माँ दौड़ के गई, कुछ समाज दौड़ के गए, उनको उठा करके लाया। जब उठा करके घर पर लाया तो देखा कि एकदम बेहोश है, उनको कोई होश नहीं हो रहा है, मरा है लाश की तरह। तो रात बीच तो किसी तरह ये रखे, कल सुबह होकर के या हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए जो सीतामढ़ी। अच्छा। सीतामढ़ी हॉस्पिटल का नाम है कौशल्या इमरजेंसी हॉस्पिटल। अच्छा। उस हॉस्पिटल में भर्ती किए, हम भी थे वहाँ, इलाज बात चलना शुरू हो गया। 6-7 रोज वहाँ इलाज चला लेकिन मेरे को कंडीशन सही नहीं मिला। अच्छा। हम देखे कि लड़का जो है से दिन पर दिन जा रहा, तो हम यहाँ से रेफर करवा लिए। मारा था कहाँ पे उसको? मारा था वो रतनपुरा गांव में। कौन सी जगह पे चोट लगा हुआ जो इतना गंभीर हो गया? सर्वर में लगा था क्या? यहाँ पर लगा हुआ था, यहाँ पर क्या कहते हैं, माथा के पीछे गर्दन पर। अच्छा। रड उड़ से शायद मारे हुआ था, जो कि यहाँ पर दागी था, लड़का के गर्दन पर दागी था। अच्छा। फिर वहाँ वही PMCH में डेथ कर गया वो जी, लड़का जी PMCH में ले गए। तो वही सर, अररिया में आरती का मामला सामने आया था, अब दूसरा मामला आपके पंचायत में आया है, आप यहाँ के मुखिया जी हैं, क्या है पूरा मामला, क्या आपको जानकारी है इसकी? हाँ, हमें जानकारी मिली, थोड़ी देर से मिली, लेकिन जानकारी जब मिली तो हम आए हैं। ये प्रेम प्रसंग का मामला है। ये राजू राम पिता दशरथ राम यहाँ रतनपुरा में एक लड़की से शादी किए और शादी करके जब घर लौट रहे थे तो वहाँ के कुछ ग्रामीण लोग आए और इनको रास्ते से वापस लेकर दिया। वहाँ इनके साथ मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद इनको फिर लाकर सरेह में, चौर में ला कर छोड़ दिया गया। और यही बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। और ये पिछले महीने 10 तारीख को ये घटना घटी थी। उसके बाद ये लोग इलाज में थे शायद। उसके बाद इन लोग अपना इलाज करा रहे थे, इलाज कराने के ही क्रम में स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर सदर अस्पताल गए, सदर अस्पताल से रेफर किया गया PMCH पटना, और पटना में जाके आखिरी में इनकी मौत हो गई। और
सर मुझे जानकारी मिल रही है कि लड़का और लड़की दोनों को लाके यहाँ फेंक दिया गया था मार के। जी, दोनों को मारकर फेंका गया था, दोनों को मारपीट किया गया था और बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है। हम प्रशासन से इसके उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और ये लोग दलित हैं और प्रशासन से हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इनको मदद हो, जितनी उच्च स्तरीय जांच किया जाए। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।